बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट नंबर 4 फ्रॉम योर नॉवल द गोल्डन टच एंड द अदर स्टोरीज। दिस इज द स्टोरी नंबर 4 एंड द स्टोरी नेम इज थीसियस एंड द मिनोटियर। थीसियस भी एक करेक्टर है, मिनोटियर भी एक करेक्टर है। द स्टोरी नेम इज थीसियस, द वर्ड इज थीसियस एंड मिनोटियर। ओके, दिस इज अ ग्रीक मैथोलॉजी। ये स्टोरी जो है ये ग्रीक मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी मीन्स ये एक फिक्शनल स्टोरी, आप इसको समझ लें, इट्स नॉट रियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द फर्स्ट इज द एनिमल इन द लेबरिंथ। लेबरिंथ इज द मेज, इसको हम कहते हैं मेज, एक जिसको उर्दू में भूल भुलैया कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड इररेगुलर नेटवर्क ऑफ पाथ, मुश्किल सा पेचीदा सा रास्ता जिसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हों और बहुत हंड्रेड्स ऑफ पाथ्स हों, उसको हम लेबरिंथ कहते हैं। ठीक है, द वर्ड इज लेबरिंथ। ओके, नॉट फार फ्रॉम ग्रीस इज द आइलैंड ऑफ क्रीट। ग्रीस इज द नेम ऑफ अ कंट्री, इट्स अ कंट्री इन साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड द एथेंस इज द कैपिटल ऑफ ग्रीस। ग्रीस इज द कंट्री ऑफ, ग्रीस कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स, थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स, काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स हैं इसमें, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड हैं, एंड द क्रीट इज वन ऑफ देम। क्रीट इज द आइलैंड ऑफ ग्रीस। ठीक है, और ग्रीस क्या है, इट्स अ कंट्री साउथ ईस्टर्न यूरोप में ये मौजूद है। नॉट फार फ्रॉम ग्रीस, यानी कि ग्रीस से ज़्यादा दूर नहीं, इज द आइलैंड ऑफ क्रीट। आइलैंड, इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, आइलैंड, एस इज साइलेंट हियर। वंस देयर वाज अ किंग ऑफ द आइलैंड कॉल्ड मिनोस। क्रीट का एक आइलैंड था हुज नेम वाज मिनोस, हु हैड अ वेरी स्ट्रेंज एंड डेंजरस एनिमल, इट वाज कॉल्ड द मिनोटियर आफ्टर हिज मास्टर। ओके, there was a king of Crete and his name was Minos and he had a very dangerous looking animal and the animal name was Minotaur. ab dangerous looking kyun tha, the bottom half of his body was human, yani ki uska bottom half jo tha wo human jaisa tha, insano ki tarah tha, the rest of it however was like a great black animal called bull. Why this animal is dangerous looking? Because the bottom half of its body was like a human and the rest of his body was like a bull. Ek bull ki tarah uski body thi upar se. Okay. Minos had a clever servant, Daedalus, who built a home for Minotaur. Minos ka ek clever servant tha. Clever means sharp. Ek sharp servant tha, whose name was Daedalus. Who was the deadliest? Was the servant of Minos, who built a home for the Minotaur, जिसने Minotaur के लिए home बनाया था. This was called the labyrinth. Okay, जो the home of the Minotaur was the labyrinth. Deadliest built it under the ground. There was hundreds of twisting turning points that led to an open space in the center where the terrible Minotaur lived. Okay, the home was under the ground and there were hundred of twisting turning paths that led to an open space. Usme hundreds of twisting turns the paths the jo ke last pe center mein uski open space mein aa jate the jahan par Minotaur rehta tha. The Minotaur's favorite food was human meat. मिनोटियर की फेवरेट फूड क्या थे, ह्यूमन मीट, यानी कि वो इंसानों को खाना पसंद करता था। एंड द मिनोस फेड इट एवरी डे ऑन प्रिजनर, और मिनोस उसको हर रोज एक कैदी देता था, प्रिजनर मींस कैदी। ही जस्ट पुश्ड देम थ्रू द गेट्स ऑफ द लेबरिंथ, उनको क्या करता था, जस्ट लेबरिंथ के गेट से अंदर कर देता था, पुश करता था। वंस इनसाइड दे वर लॉस्ट, जब वो एक बार अंदर चले जाते थे तो उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था, बिकॉज द लेबरिंथ
had the 100 of twisting paths. बहुत ज़्यादा उसमें twisting paths से कभी left मुड़ रहे हैं, कभी right, कभी इस तरह से hundreds of twisting paths थे उसमें. So once you get inside, you were lost. आप बाहर नहीं निकल सकते थे. Okay, as you can see on the picture, in the picture, this was a miniature. The half of his body was like a human, and the upper half was like a bull. एक bull की तरह से था ये. Okay. There were so many paths going in so many different directions that no one could ever find their way out. उसमें इतने ज़्यादा रास्ते थे, hundreds of twisting tunnels थे, paths थे, okay, that no one could find ever their way out. कोई भी बाहर निकलने का रास्ता तलाश नहीं कर सकता था. Sooner or later, जल्द ही या बाद में, they reached the center and the minotaur had a feast. Feast means a party, a large party. Okay. मतलब वो जल्द ही पहुंच जाते थे, सेंटर में पहुंच जाते थे, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिल रहा था. और फिर मिनोटियर की जो ईद हो जाती थी, एक तरह से वो उनको खाता था. किंग माइनोस वाज अ फादर ऑफ अ बेबी बॉय. माइनोस लव्ड हिज चाइल्ड वेरी मच एंड टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम. द यंग प्रिंस ग्रू टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड क्लेवर. एवरीवन लाइक्ड हिम. ओके, किंग माइनोस हैड अ बेबी बॉय. He was very clever and intelligent. And when he grew up, he became tall, strong and clever. And everyone in the Crete liked the prince. Har koi prince ko bahut zyada pasand karta tha. Okay, the next one is Aegeus and Theseus. These are the name of the characters, Aegeus and Theseus. About the same time in Greece. अब वो मिनोस जो था वो क्रीट का किंग था. यहाँ पर ग्रीस में कौन किंग था? एजियस. अबाउट द सेम टाइम इन ग्रीस देयर वाज अ प्रिंस कॉल्ड एजियस हु मेट अ प्रीटी गर्ल एंड फॉल इन लव विद हर. दे हैड अ बेबी बॉय एंड नेम्ड हिम थीसियस. बट व्हेन द थीसियस वाज ओनली फ्यू मंथ्स ओल्ड एजियस फादर डाइड. ओके, उस सेम टाइम में जबकि ये सब कुछ क्रीट में था, क्रीट का जो प्रिंस था मिनोस, उसी सेम टाइम में ग्रीस में एक प्रिंस था एजियस हु मेट अ प्रीटी गर्ल एंड दे फॉल इन लव एंड दे हैड अ बेबी बॉय. दे गॉट मैरिड, दे हैड अ बेबी बॉय एंड दे एंड हिज नेम वाज थीसियस. बट जब थीसियस फ्यू मंथ्स ओल्ड था, एजियस फादर डाइड, सो एजियस हैड टू गो टू द फादर्स किंगडम. एजियस को अपने फादर के किंगडम में जाना पड़ा. The city of Athens. Aegeus के फादर का किंगडम कौन था? City of Athens. Athens का शहर. Athens क्या है? Is the capital of Greece. He had to leave his wife and his little son behind. Before he went, however, he dug a hole in the ground. He put his sword in it and covered the place with a heavy flat stone. Okay, before going to the Athens, he dug a hole in the ground and he put his sword and covered with a flat stone. And what he said to his wife, my dear, he said to Theseus' mother, when our son is big and strong, bring him to the place, let him lift the stone and take my sword. As soon as he can get it for himself, it will belong to him. Then he must go to the Athens to find me. He kissed her goodbye and starting on the long road to Athens. Okay, he said to his wife that when our son is big and strong, bring him to the place, and when he will get the sword, it will belong to him, or he must go to find to me. To the Athens. He must go to the Athens to find me. यानी के उसने अपनी वाइफ को कहा कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तुम उसको इस जगह पर लेकर आना. अगर वो ग्राउंड में से स्टोन को हटा के ये शॉर्ट निकाल लेगा तो ये शॉर्ट उसकी हो जाएगी. इसका मतलब है वो बड़ा हो गया है, स्मार्ट है, क्लेवर है, पावरफुल है. सो नाउ इट्स टाइम टू गो टू द एथेंस टू फाइंड मी. यानी कि अब उसको मुझे एथेंस आना चाहिए ताकि वो मुझसे आके मिले, मुझे तलाश करे. ओके, द सन ऑफ माइनोस गोज टू एथेंस. अब स्टोरी में क्या है हमारे पास? We have a king of Crete, Minos, and Minos has a beautiful, Minos has a strong prince. Uska ek
बेटा है, सन है, ओके. इन द सेम टाइम इन इन ग्रीस वी हैड अ किंग एजियस एंड हिज सन इज थीसियस. ओके. द सन ऑफ माइनोस गोज टू एथेंस. Every year, the people of Athens had a special holiday. All the young men of Greece and the islands nearby met there. They took part in many different games and contests. Everyone wanted to join in the feasting and the fun. Minos' sons begged his father to let him travel to Athens too. Minos was not sure. Okay, here. In Athens, every year people had a great holiday, people had a great feast, and all the people of nearby island and the people of Greece met together in the festival, and they took part in so many different games and contests. Contest means match, competition. Yani ki wo bahut zyada contest mein participate karte, bahut zyada wahan pe unke contests hote, match hote. And everyone wanted to participate in it. And the Minos' son also wanted to join that festival. So he begged his father to let him travel. He requested his father, beg means request, ask humbly, travel to the Athens. But Minos was not sure. Kyunki wo Minos ka jo son tha, he was a prince. And Minos was very concerned about his son. That's why he was pretty insecure about his son. You are my son, he told the young prince. What if something happens to you? What will I do then? यानी कि वो बहुत ज्यादा कंसर्न था, परेशान था अपने बेटे को लेकर. कि उस जाहिर बात है प्रिंस जो था, कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, तुम्हें कोई मसला हो गया तुम्हारे साथ, what will I do then? मैं क्या करूंगा? Oh father, nothing can happen to me, cried the young man. I just want to go to Athens for the games and contests like all the other people. Please say yes, father, please. Like he begged to his father that let him go to the Athens because he wanted to take part in the contests. With a heavy heart, Minos agreed. He and his little daughter Ariadne. Okay, here is another character, Ariadne. She was the daughter of Minos, who was the king of Crete, the sister of the young prince. Who was the Ariadne? Like the sister of the young prince, the daughter of the king of Crete, wished him good luck and waved goodbye. With a heavy heart means like sadly, he agreed. He allowed him to go. And he and his daughter Ariadne wished him good luck and waved goodbye. Before long, everyone in Athens knew and liked the prince of Crete. He did very well in all contests, but he never boasted about his skill. Everyone liked him except King Aegeus. The king was very jealous of the young stranger. Okay, usko jo young prince tha, usko Athens ke sab log pehle se hi jante the, and they liked him very well. They liked him, and because of his abilities, all the people of Greece and Crete liked the young prince because of his abilities. He performed very well in all the contests, but he never boasted about his skills. Boasted means to show off. He did not show off about his skill, and everyone liked him except the King Aegeus. Who was the King Aegeus? The king of Greece. And the contest was held in the Greece. Greece mein hi contest ho raha tha, aur Greece ka jo king tha wo Aegeus. He was very jealous of the young stranger. Jealous means, okay, matlab jealous usko pasand nahi karta tha, not did not liked him. Stranger, unknown person, theek hai.
पर्सन हूम वन डज नॉट नो, एक अननोन पर्सन है, वो उसको नहीं पता था कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, बट ही वॉज वेरी जेलस बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स. सो वन नाइट व्हेन द प्रिंस वॉज ऑन हिज वे बैक टू क्रीट, किंग एजियस सेंट सम मैन आफ्टर हिम. जब वो वापस जा रहा था क्रीट में, किंग एजियस सेंट सम मैन आफ्टर हिम, यानी कि उसके पीछे कुछ लोग भेजे. They killed the young prince and hid his body in the woods. Okay, he killed the prince and hid his body in the woods. Every day, Minos waited on the harbor wall for his son's ship. It returned without him. Okay, Minos was very concerned about his son. He was very worried. He went to the harbor wall every day and waited for the son's ship, but ship returned without him. जो भी ship थी, जो भी जहाज आता, वो उसके बेटे के बगैर आता. Harbor means harbor wall क्या है? Harbor means port, बंदरगाह जिसे आप उर्दू में कहते हैं port, जहाँ पर ships आकर रुकती हैं और जहाँ पर इस तरह से exchange होती हैं ships में चीजें या लोग जो भी आते जाते हैं. Harbor means port, P-O-R-T, port. Okay, the people of Athens were sad too. They did not know what had happened to the young prince. They only knew that he was lost. Only King Aegeus knew the truth. A few days after this, Aegeus' own son Theseus arrived in Athens. Okay, people of Athens were very sad because they liked the prince, but they did not know what had happened to the young prince. Kisi ko nahi pata tha ki प्रिंस कहाँ चला गया, वो सब समझते थे कि वो गुम गया. ओनली किंग एजियस वॉज द वन हु नो द न्यू द ट्रुथ, सिर्फ उसको पता था, बिकॉज ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू किल द प्रिंस. उसी को ही तो पता था, उसने ऑर्डर किया था कि उसको मार दें. एंड आफ्टर दैट फ्यू डेज आफ्टर दिस एजियस ऑन सन अराइव्ड इन द एथेंस. एजियस का अपना बेटा हु वॉज द सन ऑफ एजियस थीसियस अराइव्ड इन एथेंस. ओके, next is Theseus arrives. For Theseus, this was the happy end of the long and difficult journey. It all began on the day when he lifted the heavy stone. He took the sword from under it, then he kissed her mother goodbye. Theseus ke liye sab kuch kab shuru hua tha? When he lifted the stone, and took out the sword. And then he went to the Athens to find his father. Many things happened. What had happened to him on the way to the Greece? Like many things happened to him on the long road to Athens. The road passed through hills where dangerous wild animals lived. अब जो उसका रास्ता था वो काफी मुश्किल था. उसने बहुत सी चीजों को फेस किया वहां पे एथेंस जाते हुए. There were also robbers. Robbers means thief, chore, and robbers and people who killed any strangers that came along. Okay, and there were so many robbers on the way who killed any strangers and who killed any stranger that came along. They all tried to fight him. And the Theseus beat every one of them. Har koi Theseus se lada, usne fight ki. They all tried to fight him, but Theseus beat every one of them. Lekin Theseus ne har kisi ko hara diya. He arrived in Athens, and Aegeus knew him at once. Ek hi nazar mein, ek hi baar mein Athens ne usko pehchan liya. Aegeus ne usko pehchan liya. My son has come. We must have a feast. The king shouted. Okay, king was very happy, so he shouted, like, my son has come, we must have a feast, because he was extremely happy. He opened the gates of his palace to all the people. उसने हर किसी को invite किया Athens के जो भी लोग थे सबके लिए उसने अपने palace के gate खोल दिए. कोई भी उसके palace में आ जा सकता था, खा सकता था, feasting का वहाँ माहौल था. There was feasting and fun for several days. काफी दिन तक feast, दावत और fun चलता रहा. Wine poured from the palace fountains and there was free food for everyone.
The people of Athens forgot the prince of Crete and greeted their own young prince. हर कोई क्योंकि इतना ज्यादा फन था वहां पे और खुशी का माहौल था. Everyone forgot the king of prince of Crete and they welcomed their own prince Aegeus. All on prince Theseus. Who was the Theseus? Theseus was the son of Aegeus. In Crete, अब से on the other hand, Crete में क्या खंड था सारा कुछ माहौल वहां पे. In Crete, Minos was still waiting for his son to return. वो अभी भी अपने बेटे का वेट कर रहा था कि वो आए. At last, some of Minos' soldiers found the boy lying dead in the woods not far from Athens. They sent messengers to the Minos. The king told them to bring his son's body home and he ordered a great funeral. He was very angry. Okay, the people, the soldiers of Minos at least found the body of the dead boy in the woods not far from the Athens. Unko Athens se zyada dur nahi tha kyunki wo wapas Athens ke raste mein hi gaya tha na, wahan se wapas jab aa raha tha tab usko kill kiya gaya tha, mara gaya tha, to Athens se zyada dur nahi tha jahan par usko uski body mili. And when the soldiers sent him messengers to the Minos, he ordered his son's body and he ordered a great funeral. Funeral means ceremony for burying the body of dead person. Yani ke jo bhi sara kuch kisi ke marne ke baad jo ceremony hoti hai usko dafnane ki aur jo bhi jis bhi aqeede ke mutabik log karte hain, like kuch burying buried karte hain, kuch burn karte hain, whatever, usko hum funeral kehte hain. Ceremony for burying the body of dead person. एक दफनाने की भी जो भी रस्म होती है उसको. He was very angry. वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके बेटे को मार दिया गया था. Those people of Athens killed my son, he said to himself. I shall punish them for this. He sailed across the sea to the Athens with a large army. Minos was going to attack the city. Now he loved his son very much, and when he came to know about his son's murder, he became very angry and he was going to attack the city because he wanted to punish all of them. He knew that people of Athens killed his son, so he was going to attack the city. He sailed across the sea. Zahiri baat hai, Ireland se aap ja rahe hain kisi city mein to सेल करके ही जाएंगे. सेल मीन्स मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, यानी के पानी पे कश्ती के जरिए जो सफर करते हैं. मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, सेल्ड मीन मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर. ही सेल्ड टू द सी, ही सेल्ड अक्रॉस द सी टू एथेंस विद अ लार्ज आर्मी. वो एक बड़ी आर्मी फौज के साथ एथेंस पे अटैक करने के लिए गया. नेक्स्ट इज सरेंडर. Minos reached Athens with his army. Of course, the gates were closed and the walls were guarded. Aegeus was waiting for them. Now Aegeus knew the truth. He knew that he had killed the son and Minos is going to attack his city. So he ordered to close all the walls of the city, and the walls were guarded very well. उसको पता जो था कि उसने किल किया है और अब माइनस अटैक करने आ रहा है, तो उसने सिटी के सारे गेट्स को बंद कर दिया और जो वॉल्स थी सिटी की, जो दीवारें थी वॉल्स थी, गार्डेड मींस प्रोटेक्ट, उनको वहां पर सोल्जर्स को अपने उसने वहां पर खड़ा कर दिया कि इनको प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है. दिस डिड नॉट फ्राइटन माइनस हाउएवर, लेकिन उस माइनस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि ये सिटी बंद है, गेट्स बंद हैं, वॉल्स गार्ड हो रही हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा. हाउएवर ही एंड हिज मैन हैड अ प्लेंटी ऑफ फूड, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा खाना था. दे आल्सो हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, और उनके पास बहुत ज्यादा टाइम भी था. आउटसाइड द सिटी वॉल्स दे लिट फायर्स एंड बिगिन टू कुक देयर सपर. दे वर वेरी रिलैक्स्ड, दे लिट द फायर एंड बिगिन टू कुक देयर सपर. Because they had a plenty of time, they had no hurry. Supper means raat ka khana. All we have to do, why they had no worry, because what was the plan?
Okay, the plan is all we have to do, said King Minos to his officers. उनका plan क्या था? Is wait here patiently. के आराम सुकून से यहाँ पे सबर करो. Soon Athens will be ours. The officers knew that king was right. Officers को पता था कि king बिल्कुल सही कह रहा है. Food for the people of Athens came from the farms outside the city. अब क्या था? सिटी के बाहर तो माइनोस ने अपना कब्जा कर लिया. उसने किसी को भी सिटी के अंदर नहीं जाने दे रहा था. और सिटी के अंदर जो भी फूड जाती थी लोगों को, एथेंस में जो भी फूड जाती थी वो सिटी के बाहर जो फार्म्स थे उनसे जाती थी. माइनोस एंड हिज मैन स्टॉप्ड द फार्मर्स फ्रॉम गोइंग इनटू द एथेंस. नो वन कुड गो इनटू द सिटी, नो वन कुड लीव इट विदाउट बिकमिंग अ प्रिजनर. इन अ वीक और टू everyone in the Athens was hungry. Soon children and the old people became weak and ill. A few people died. Okay, what had happened here? King Minos he did not allow any people with the food to go inside the city, and there was a shortage of food in the city. And people became ill and weak, and few people died. उनके पास अब खाना ही नहीं था तो लोग भूख से मरना शुरू हो गए, क्योंकि खाना बाहर से आता था, फार्म से आता था, और किंग माइनोस ने किसी को भी फार्म में जाने से सिटी में एंटर नहीं होने दिया. ओके, दे विल सरेंडर सून. सरेंडर मीन्स give up, यानी कि वो give up कर देंगे, छोड़ देंगे इस जंग को. They will surrender soon. Minos told his men. They saw their leader's cold, angry face. His son's death has changed him. They whispered to each other. His heart has become hard. उसके जो leaders थे, उन्होंने देखा उसका cold, angry face, cruel face, because his son's death changed him. He became very cold and cruel. Because the death of his son, they whispered. Whispered means to speak in a low voice. उन्होंने whisper किया एक दूसरे को, बताया कि ये बहुत ज़्यादा जालिम हो गया है, कि बेटे की मौत ने इसको बहुत ज़्यादा जालिम कर दिया. Okay. It hurt Aegeus to see his people so weak and ill. We must surrender, he said at last to his wise men. I'm too sad to let this continue. He sent a messenger to the king of Crete. Okay, if the king Aegeus was very sad to see the condition of his people, and he agreed on the surrender. उसने ये मान लिया कि उसको अब surrender कर देना चाहिए, because he won't let this continue. वो नहीं चाहता कि सब कुछ continue रहे और उसके लोग मरते रहें. और he sent a messenger to the king of Crete. यानी कि माइनोस को messenger भेजा अपना एक. In his message, what was the message? In his message, Aegeus said he would surrender. He asked Minos to be kind to his poor people. उसने कहा कि वो surrender कर देगा, लेकिन तुम मेरे लोगों के साथ kind रहो. Minos read the message and he laughed. It was a cold, cruel laugh. Kind? He said. What kindness did the people of Athens show toward my son? Okay. यहाँ पर वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि काइंड मैं किस अकाउंट हो जाऊँ. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस टू बी काइंड द पीपल ऑफ एथेंस हु किल्ड हिज सन. द मैसेंजर केम बैक टू एथेंस विद द वाइट फेस एंड शेकिंग हैंड्स. ग्रेट किंग, ही सेड टू एजियस, किंग माइनोस विल लीव आवर सिटी इफ वी प्रॉमिस हिम समथिंग. आई विल प्रॉमिस एनीथिंग एनीथिंग, क्राइड एजियस. Okay, the king Minos agreed. ये उसने agree कर लिया कि वो यहाँ से चला जाएगा, but on a one condition. What was the condition? We will discuss it tomorrow. और king Aegeus said he will do anything for his people. Okay, I hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी. What is the task? The task is to read the story. Underline the difficult words, pronounce it well, do the correct pronunciation of the words,
जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एंड लर्न द स्पेलिंग्स एंड द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स.